हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और पुरानी वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल रही होगी। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है अभी तक आप लोगों को समझाने की इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो मेरे पीछे ये इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक आपका इंक्यूबेटर है और एक आपका हॉट एयर ऑन है। एक वाटर बाथ भी हमने पढ़ा था, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे और स्टूडेंट्स लोगों के जो मेरे अपने सेल्फ स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज कॉल आए थे, उनको मैंने उस पॉइंट पे क्लियर किया। जो मेरे बाकी व्यूअर्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई चीज़ लगता है इस वीडियो में कि आपको और एक्सप्लेन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आप मेरी गूगल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मेरे को खुशी होगी अगर आप मेरे साथ और आगे ज्वाइन करेंगे। आज का जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है वो लिया है ऑटोक्लेव। आप देख पा रहे होंगे मैंने फोकस एरिया में रख रखा है कैमरे के, इसलिए ये ऑटोक्लेव बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, अगर लेबोरेटरी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल पार्ट होता है, यानी जो BMW का फेस है, माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ी लैब, बहुत बड़ी फील्ड है। लैब के अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट जो माइक्रोबायोलॉजी का है वो बाकी डिपार्टमेंट से बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो वेस्ट डिस्पोजेबल है उसमें ऑटोक्लेविंग का यूज़ होता है। वहाँ जो वेस्ट डिस्पोजेबल लेबोरेटरी होती है, जो BMW लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। नॉर्मल लेबोरेटरीज में जब हम मीडिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं या कोई चीज़ डिस्कार्ड करते हैं, मतलब हमने सबसे पहले अगर कोई मीडिया बनाना है तो उसको भी देखना है कि आपका जो ये ऑटोक्लेव है, मतलब उसको यूज़ किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों ज़रूरी क्या है उसका यूज़ करना मीडिया प्रिपरेशन में, या ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये समझेंगे। तो एक छोटी सी थ्योरी क्लास समझाता हूँ। ऑटोक्लेव जो है एक तरीके का स्टीम्ड प्रेशर कुकर होता है, जिसके अंदर एक फिक्स्ड एरिया में, आप देख पा रहे हो कि ये एरिया हमारा फिक्स्ड है, ये प्रेशर कुकर का जो एरिया है ये एक फिक्स्ड एरिया है। अब इस एरिया के अंदर एक फिक्स्ड प्रेशर पे आपकी विसिल साउंड करती है, तो वो क्या है, बेसिकली एक फिक्स्ड एरिया में वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब वो वाटर प्रेशर की वजह से जो बैक्टीरिया है, बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है वो होता है इसमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो इस ऑटोक्लेव के थ्रू हम किल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन रोल होता है ऑटोक्लेविंग का वो यही होता है कि टू किल द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी केमिकल। यानी किसी भी केमिकल के सरफेस पे अगर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है तो आप उसको ऑटोक्लेव की हेल्प से किल कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव मतलब होता है हटाना, वहां से हटा दिया, तो हटाते नहीं है, उस सरफेस पे ही उसको डेड कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना कि अगर आप लिखते हो ऑटोक्लेव, बाय ऑटोक्लेव वी कैन रिमूव एंड किल द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, द लाइन इज रॉन्ग। आप सिर्फ और सिर्फ किल करते हो, उसको मारते हो, आप रिमूव नहीं करते। तो ये एक छोटा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट था। इसका प्रिंसिपल जो है वो दो प्रिंसिपल पे बेस वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो करता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, अगर आपका हीटिंग रॉड है तो। अगर आपका गैस बर्नर के थ्रू है तो आपकी गैस एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। दूसरा, वो हीट एनर्जी की वजह से वाटर की जो स्टेट है, यानी लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो दो वर्किंग प्रिंसिपल जो हुआ वो इसका दो हुआ। पहला वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हीट एनर्जी की हेल्प से जो वाटर का स्टेट है वो लिक्विड से इवेपोरेट, यानी इवेपोराइजेशन, स्टीम, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो ये जो बेसिक है, ये नीचे का जो एरिया है ये हो गया आपका वॉल्यूम एरिया स्टीम का। ये जो अभी मेरे हाथ में आपने देखा ये इसका क्लोजिंग कैप है, यानी डोर कह सकते हो।
जो बड़े साइज के होते हैं उसमें आपका ये थोड़ा अटैच रहता है इसी के साथ में। जो छोटे साइज हैं ये, जैसे ये 5 लीटर का है, 5 लीटर के राउंड अबाउट का है ये, तो इसमें क्या है, ये इसका डोर आपका अलग हो जाता है। कईयों में डोर में नोजल आपको मिल जाएगी, यहाँ साइड में नोजल्स लगी होंगी। ये कंप्लीट, जैसे हम प्रेशर कुकर का ढक्कन रिमूव करते हैं किचन में, जो होम प्रेशर कुकर होते हैं बड़े वाले, उसी की तरह है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो है ये आपका एनालॉग मीटर है जो प्रेशर डिटेक्ट करता है कि कितना प्रेशर पे चल रहा है। एक नोट करके जरूर इसमें याद रखना कि जो स्ट्रीम आपका ऑटोक्लेव है, इसका जो प्रेशर है वो 121 डिग्री सेल्सियस 15 LBS, यानी जो टेम्परेचर है वो 121 हो गया और जो प्रेशर हो गया वो 15 हो गया। LBS इज अ यूनिट ऑफ दैट प्रेशर, और डिग्री सेल्सियस यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ये दो विसिल दे रखा है, ठीक है, एक सेफ्टी विसिल है और एक प्रेशर विसिल है। ये सेफ्टी और प्रेशर विसिल में क्या फर्क क्या होता है, ये समझने वाली चीज है। तो बात करते हैं सेफ्टी विसिल की। सेफ्टी विसिल मीन्स कि भाई प्रेशर इसमें 15 LBS तक हो गया, और इन केस कोई परसेंट की वजह से आपका जो विसिल है, सिग्नल विसिल है, वो एयर को रिलीज नहीं कर पाती है। मतलब ये इस तरीके से आपका एयर रिलीज नहीं हो पाता है, तो जो सेफ्टी विसिल है वो वर्क करे और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बराबर रहे, वो ज्यादा ना हो या बर्स्ट ना हो जाए। ऑटोक्लेव बर्स्ट होते हैं, कई ऐसे एक्सीडेंटल केस आपने सुने होंगे या यूट्यूब, अदर यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो कि भाई ऑटोक्लेव जो है वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। और ऑटोक्लेव जब बर्स्ट होता है तो वो कंक्रीट वॉल को भी डैमेज कर देता है। अगर आपका कंक्रीट वॉल से भी कवर्ड है, 9 इंच की वॉल है कंक्रीट की, उसको भी अच्छा खासा डैमेज देता है। तो उससे बचने के लिए आपका इसमें दो विसिल्स रहते हैं। ये आपका मैनुअल है, इसमें ऑटोक्लेव में एक ऑटोमेटेड भी आता है। ऑटोमेटेड में आपको कुछ नहीं करना, आपको टेम्परेचर सेट करना है, आपको टाइम सेट करना है, आपको ऑन करके छोड़ देना है। वो मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप ही उतने प्रेशर तक जाएगी, विसिल आउट करेगी, एक्स्ट्रा गैस रिमूव करेगी, और जैसे ही टाइम कवर होगा ऑटोक्लेव का वो बंद हो जाएगी। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, फिर आपको डोर खोलना है थोड़ा सा वेट करके कि आपका जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए, और इजिली आप उसमें से आर्टिकल जो आपने ऑटोक्लेविंग के लिए डाले हैं वो निकाल सकते हैं। मैनुअली में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, आज हम वही समझेंगे। मैं इसको वर्किंग करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक एक पार्ट जरूर समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसकी वर्किंग भी समझा सकूं। आइए शुरू करते हैं। ये जो आप दो नोजल देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक जो है वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। आपने अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो आपने इसको नीचे वाले को, इसको आपको टाइट किया, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको कोई गैस रिलीज करनी है तो ये आपका, ये गैस रिलीज के लिए है। ऊपर वाला नोजल है गैस रिलीज के लिए और नीचे वाला वैक्यूम के लिए, ये दो नोजल भी हैं। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ, ये तो हो गया आपका बाहर से इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, और अंदर की बात करें तो आप ये देख पा रहे होगे ये हीटिंग रॉड है इसके अंदर, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाटर एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये उसकी हीटिंग रॉड हो गई। ये वो नोजल का एरिया आप यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर में, यह आपका हैंडल हो गया प्रेशर कुकर को लिफ्ट करने के लिए। इसके साथ में किसका स्टैंड रहता है वो हमने अभी हटा रखा है तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये वैसे पोर्टेबल ऑटोक्लेव है तो आप इसको कहीं पे भी आप ले जाके इसको ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। राउंड अबाउट 5 लीटर का ऑटोक्लेव है। इसके अंदर ये आपका स्टैंड है, ये जो आप हाइट देख रहे हो स्टैंड की, ये बेसिकली इसके रॉड जो हीटिंग कॉइल है, यानी जो ये वाली आपकी कॉइल है, इसमें आपका कोई आर्टिकल टच ना हो, ये क्योंकि ये हीटिंग कॉइल काफी ज्यादा हीट होती है अंदर उस टाइम पे। 121 डिग्री सेल्सियस इज क्वाइट हाई टेम्परेचर, तो इसके लिए
ये हीटिंग रॉड में टच ना हो, कोई आर्टिकल आपका डैमेज ना हो, उसके लिए हम ये स्टैंड रखते हैं। तो इसमें स्टैंड रखने का जो मेन है, जैसे हमने कुछ नहीं करना है इसको, इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा आपके, और हम इसको अभी सीधा, ये आपका मैंने अंदर इसका डाल दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके का बॉक्स रहता है नेट वाला, या आप डायरेक्टली आर्टिकल्स भी रख सकते हैं। एक चैम्बर में स्टील चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर रख के आपको रखना होता है। जो वाटर लेवल है इसमें भी आपका सेम, जैसे वाटर बाथ में मैंने बताया था आपको कि जो स्टैंड है उससे हल्का नीचे रहेगा, यानी जो हीटिंग कॉइल है वो आपका पानी के लेवल तक रहना चाहिए, मतलब हीटिंग जो हीटिंग रॉड है, कॉइल जो है वो पानी के अंदर रहनी चाहिए। मतलब सपोज अगर यहाँ ये हीटिंग कॉइल का लेवल है तो वाटर का लेवल उससे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसमें वाटर फिल करेंगे, स्टैंड लगाएंगे, और आर्टिकल रखने के बाद हम इसको इजीली, ये जो है ये स्क्रू की तरह वर्क करता है, हम इसको इस तरीके से रख के, और ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपका लॉक हो गया। लॉक होने के बाद हमने इसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है। इसके अंदर हम लोग वाटर रख चुके हैं। वाटर हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल मिनरल वाटर या फिर हार्वेस्टिंग वाटर इसमें यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर जो वाटर यूज होता है वो हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है, और डिस्टिल्ड वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एच पॉजिटिव आयंस के साथ रहती है, मतलब उसमें कोई एडिशनल मिनरल वगैरह नहीं होंगे, उसमें एच पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे। डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मली हम लोग बैटरी के घर में भी यूज करते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स में यूज नहीं होता है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके में वैक्यूम क्रिएट करेंगे। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके नोजल अटैच करनी है, वैक्यूम क्रिएट करके इसको लॉक कर देना है। उसके बाद स्टार्टिंग में जब हम इसको ऑन करते हैं तो 5 मिनट के लिए हमें इसका नोजल थोड़ा ओपन करके रखना है कि जो गैस है वो निकलती रहे थोड़ी सी, और जैसे ही थोड़ी सी हीटिंग गैस शुरू हो जाती है, यानी स्टीम आनी शुरू हो जाती है, आपको ये इसको लॉक कर देना है, स्क्रू को टाइट कर देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइमर इसके साथ में आपको एक अलग से टाइमर रखना पड़ेगा। उस टाइमर में आप टाइम सेट करोगे, 13 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, व्हाटएवर यू वांट टू सेट, आप उसको सेट करोगे, उसके साथ में वो टाइमर भी ऑन हो जाएगा और इसका प्रेशर भी रहेगा। ऑटोक्लेव जब भी चल रहा हो तो स्पेशली फॉर लैब टेक्नीशियंस हमेशा टाइम इंटरवल पे चेक करते रहिए कि आपका कोई विसिल या जो मीटर है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा यूटिलाइज करने की वजह से जो विस्लिंग है वो वीक हो जाती है, या जो मीटर है वो एनालॉग मीटर है तो प्रेशर ठीक से मेजर नहीं कर पाता है, तो कभी कभी आपको हल्का सा उसको जर्क देना पड़ता है, यानी हिलाना पड़ता है, हल्का सा वाइब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो स्क्रूज हैं, जो वॉल्स हैं, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको क्लियरली वो दिख जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल फेज है, ठीक है, स्मॉल वाले की, मैं ऑटोमेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटेड में सब ओके रहता है, टाइम टू टाइम कैलिब्रेट हो रहा है, टाइम टू टाइम आपका उसमें कंट्रोल्स वगैरह चेक किया जाता है। कंट्रोल चेक करने का मतलब है कि जो मीटर है उसके साथ में एक सब मीटर लगाया जाता है और देखा जाता है कि मीटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। विसिल की सर्विस होती रहती है, ऑटोक्लेव की प्रॉपर सर्विस रहती है, लेकिन जहाँ पे कम यूज होता है ऑटोक्लेव, जैसे एक छोटी लैब है अगर वहाँ कम यूज हो रहा है, या कॉलेज की लैब्स हैं, कुछ कॉलेज की लैब्स में रेगुलर यूज नहीं होता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद कैलिब्रेशन के लिए टीचर्स या जो वहाँ के HODs हैं वो भेजते हैं, रेस्ट बच्चों को सिखाने के लिए वहीं पे किया जाता है कभी कभार कैलिब्रेट उसको। तो इसमें ये हमें चेक करना होता है कि सबसे पहले कि विसिल, अगर मान लीजिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कैसे हम चेक करेंगे। नॉर्मली जैसे हम प्रेशर कुकर में करते हैं, हम क्या करते हैं, विसिल को हल्का सा पुश करके देख लेते हैं कि हाँ भाई स्टीम प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऐसे ही इस केस में हम लोग इसका थोड़ा सा रिलीज करके देख लेंगे। अब ये दो विसिल जो है कि भाई कैसे पता लगेगा कि हमारा वो सेफ्टी विसिल ही रहनी चाहिए और ये हमारी प्रेशर विसिल होगी, जो दो विसिल इसमें डिनोट कर रखी है दोनों साइड में। तो ये जो आपकी सेफ्टी विसिल है इसके वेट में और प्रेशर विसिल के वेट में, ये आपको दोनों के वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। जब आप देखोगे कोई भी भाई, हम कहें कि सर हमने कैसे आइडिया लगा लेना है कि 15 LBS का प्रेशर होगा,
कौन सा क्वेश्चन है कि भाई डिटेक्टर है नहीं, ठीक है, मैन्युअली कर रहे हैं तो हम कैसे, तो स्टैंडर्ड विसिल्स आती हैं, ठीक है, हर प्रेशर कुकर की एक पर्टिकुलर प्रेशर की विसिल होती है, इसका अंदाजा आप ले सकते हो प्रेशर कुकर की विसिल के वेट से। आप कहीं भी चले जाना हार्डवेयर की शॉप पे जहाँ पे कुकर प्रेशर कुकर वगैरह रिपेयर होते हैं, वहां जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर लैब की बात नहीं कर रहा, अपने इंडिविजुअल जो बेसिस पे कर सकते हो, वहां देखना, उससे बोलना कि भैया 5 लीटर का है या 2 लीटर का प्रेशर कुकर है, उसके विसिल का जो वेट है, या आप प्रेशर कुकर वाले से भी पूछ लेंगे, वो इतना एजुकेटेड नहीं होता लेकिन वो बता देगा कि सर इस कुकर के लिए, इस प्रेशर कुकर के लिए इस ये विसिल लगनी है, वो क्या है, वो विसिल क्यों वही लगनी है, दूसरी क्यों नहीं लग सकती, वो बेसिकली उसके एक प्रेशर, फिक्स प्रेशर पे वर्क करती है। अगर इसमें आप कोई दूसरे विसिल लगाओगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, आप इसे स्टैंडर्ड विसिल लगाओगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ऑटोक्लेविंग का जो काम है वो यही है कि आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को किल करता है, रिमूव नहीं करता। दूसरी चीज, इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर इसका 15 LPS है। बात करते हैं इसकी कैलिब्रेशन की, तो इसका एक फिक्स टाइम कैलिब्रेशन होता है, हर महीने ये इसका चेक किया जाता है। चेकिंग में क्या चीज होती है, एक तो विसिल चेक होती है, दूसरा इसका जो एनालॉग मीटर है वो चेक किया जाता है, साथ में इसका जो कैप है यानी ये जो डोर है, ओपनिंग डोर, इसकी भी ग्रिपिंग को चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर ग्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, रेगुलर कंटिन्यू सेम प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन होती रहती है, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम उसे कैलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको ऑटोक्लेव था, इसकी डेफिनेशन की और छोटी सी वैसे नॉर्मली बात कर लेते हैं। Autoclave is an instrument which is used in microbiology lab for killing the spore-forming bacteria. मतलब ये एक instrument है जो microbiology lab में use होता है, जो कि spore-forming bacteria को kill करता है। अब बात करते हैं कि भाई हमें media बनाते वक्त autoclave का क्या काम आता है। तो media बनाते वक्त हम autoclave का क्या काम देते हैं? तो media बनाते वक्त autoclave का जो सबसे ज्यादा काम होता है, वो होता है उसको sterilize करने का। यानी ये एक sterilization process का part है। Sterilization process में आपका जब मीडिया हीट हो जाता है, मिक्स कर देते हो आप डिस्टिल्ड वाटर के साथ, जो आपका पाउडर्ड मीडिया फॉर्म है उसको मिक्स करते हो, हीट करते हो, तो उसको ऑटोक्लेव करते हैं कि उस प्रोसेस में जो आपने हीट किया, मिक्स किया, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया गया होगा उस टाइम पे, तो वो किल हो जाएगा उसके अंदर ही और आपको एक प्योर मीडिया की फॉर्म मिले। तो मीडिया प्रिपरेशन में ऑटोक्लेव का काम होता है वहां पे। दूसरा अगर जब आप कल्चर प्लेट को डिस्कार्ड करते हो, तो कुछ लैबोरेटरीज जो अच्छी स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले अपने ही यहाँ पे उस सारी कल्चर प्लेट्स को ऑटोक्लेव करती हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव क्यों जाता है, आपको पता है कल्चर प्लेट का मतलब ही है कि उसके अंदर मल्टीपल बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो सिंगल टाइप हो चाहे वो मिक्स बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया है और वो आपके एनवायरमेंट को या आपको हार्म कर सकते हैं अगर वो आपके कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उसको भी डिस्कार्ड करने से पहले हम ऑटोक्लेव करते हैं। जो हम पिपेट्स यूज करते हैं या जो हम ग्लास पिपेट, बेसिकली जो ग्लास पिपेट्स या ग्लास जार्स या क्यूवेट, कुछ भी ऐसा ग्लास का आर्टिकल जो यूज करते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है बैक्टीरिया के या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है बैक्टीरिया को, उन सभी आर्टिकल्स को हम ऑटोक्लेव करते हैं। ये तो हो गई लैब पर्पस के बेसिस की बात। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नर्सिंग में ऑटोक्लेविंग का जो काम है वो सबसे ज्यादा जो है ओटी टेक्नीशियन, यानी ऑपरेशन थिएटर के जो टेक्नीशियन होते हैं वो यूज करते हैं, या फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में काम करने वाली नर्स स्टाफ है वो यूज करते हैं वहां पे, या हॉस्पिटल में जो ऑटोक्लेविंग का एक प्रॉपर स्टाफ होता है जहां पे आपके ओटी आर्टिकल्स हो गए, ओटी के क्लोथ्स हो गए, जो कपड़े या बेडशीट वगैरह जो यूज किए जाते हैं वहां पे, या जो कवरिंग के लिए क्लोथ्स यूज किए जाते हैं, उन सबको ऑटोक्लेव करना वॉश से पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर स्टीम प्रेशर से अलग से जब उसका किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो यू उसको भी यूज करने से पहले स्टीम प्रेशर किया जाता है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, हाई स्पीड स्टीम से उसको पास किया जाता है क्लोथ को, जिससे अगर कोई इनकेस बैक्टीरिया रह जाए तो वो भी रिमूव हो जाए। तो ये ऑटोक्लेव का पार्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप लोग इंजॉय भी करते होंगे मेरी वीडियो को। कुछ पुरानी वीडियोस में अगर डाउट लगता है तो मैं स्टिल अभी भी यही कहना चाहूंगा कि
आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में कि आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो अपडेट कर सकूं।